नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शेखर मिश्र और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक दरोगा के ऊपर बुलेरो कार चढ़ा दी गई, जिससे दरोगा घायल हो गया। दरोगा पर पुलिस का कार चढ़ने की खबर सुनते ही पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है, चालक हिरासत में ले लिया गया है और दो लोग मौके से फरार हैं। पकड़ी गई बुलेरो गाड़ी में सपा का झंडा लगा हुआ है और मैनपुरी जनपद की बताई जा रही है। सीओ सिटी का कहना है कि मौके से पकड़ी गई कार की जांच की जा रही है, कहीं चोरी की तो नहीं है, और ड्राइवर से मौके से फरार लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इस सब मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार फिरोजाबाद से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी जी, मैं बताता हूँ कि ये थाना थाना रामगढ़ क्या है, जरा बताइएगा। थाना रामगढ़ क्षेत्र के जादवपुरी का मामला है। यहाँ दरोगा नवल सिंह चेकिंग कर रहे थे, तभी मैनपुरी की तरफ से एक बुलेरो गाड़ी तेज स्पीड में आती है, उनको रोकने का प्रयास किया मगर उनको ऊपर चढ़ा देती है गाड़ी। तो घायल दरोगा की इस समय हालत के बारे में क्या कहेंगे, कैसी हालत है उनकी? हालत उनकी सही है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। शैलेंद्र, एक चीज और बताइएगा कि ये जो वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी मिली है, उसके बारे में कुछ पता चल पाया है कि किसकी गाड़ी है? गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर भी कब्जे में है और दो लोग मौके से फरार हो चुके हैं। नहीं, ड्राइवर ने सपा का झंडा लगा हुआ है गाड़ी पर, तो ड्राइवर ने क्या बताया है अभी? ड्राइवर ने अभी भी कुछ बताया नहीं है, उससे पूछताछ जारी है। शैलेंद्र, और एक चीज पूछेंगे आपसे कि ये जो पूरा मामला हुआ है, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता अपने आप को कैसे महसूस करेगी? लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के बारे में क्या देखते हैं जनपद में? जी, जनपद में अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, ये बात आपकी सही है। जब एक पुलिस ड्राइवर को ही मौके पर कार चढ़ा दी गई, पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे ये जनपद कैसे सुरक्षित रहेगा? ये शराब पी हुआ था, इसीलिए उन्होंने चढ़ा दी। ठीक है शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए नेशन लाइव।